नगर निगम परिसर में नगर आयुक्त कार्यालय के पास गुरुवार को पार्षद एकता संघर्ष समिति नगर निगम गोरखपुर के बैनर तले विभिन्न वार्डों के पार्षद अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे रहे। धरने पर बैठे पार्षदों ने महापौर और नगर आयुक्त पर आरोप लगाते हुए वार्डों में विकास कार्यों के लिए धन आवंटन न किए जाने का आरोप लगाया। पार्षदों ने अपने मांगों में पार्षद के प्रस्ताव, पार्षद वरीयता का क्रम में वार्डों में विकास कार्यों के लिए 40-40 लाख रुपए कराया जाए, सफाई व्यवस्था पुरानी पद्धति पर कराई जाए, अंदरूनी वार्ड में अस्थायी सफाई कर्मचारी लगाया जाए एवं बाहरी वार्ड में ठेके पर कार्य कराया जाए। साथ ही पेयजल संकट, जल निकासी की व्यवस्था महानगर में की जाए। धरने पर विभिन्न वार्डों के पार्षदगण अजय यादव, रामलौट निषाद, शहाब अंसारी, संजय यादव, अफरोज गब्बर, लाल बहादुर पासवान सहित पार्षद प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेसी पार्षद अजय यादव ने कहा, नगर आयुक्त आई है, आगे आई है। पार्षद एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पार्षद एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांग पूरी हो, चाहे जमन पूरी। पार्षद एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांग पूरी हो, चाहे जमन पूरी हो। अजय यादव, वार्ड नंबर 54 भेड़ियागढ़। शहर के विकास के संदर्भ में हम पार्षदगण लोग कांग्रेस के, बसपा के, सपा के, निर्दल सारे लोग संगठित होकर बैठा गया है। शहर के विकास की मांग की जा रही है। गोरखपुर शहर में सफाई की व्यवस्था एकदम चौपट स्थिति पे है। यहाँ नगर स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा लूट खसोट एकदम मचा हुआ है। किसी भी नाली या सड़क या मोहल्ले की सफाई नहीं हो पा रही है। उसी तरह 1.5 वर्षों से इस शहर में न सड़कों का निर्माण हो पा रहा है, क्रॉस नाली का निर्माण नहीं हो पा रहा है। पार्षद और जनता दोनों तबाह है। नगर आयुक्त से हम लोगों की मांग रही है कि यहाँ पेयजल की व्यवस्था समुचित कराई जाए, सड़कों का निर्माण कराया जाए, सफाई व्यवस्था अच्छी तरह से कराई जाए। और हम लोग अगर ये मांगे नहीं पूरी करते हैं तो नगर निगम में तालाबंदी का काम करना शुरू करेंगे और किसी भी अधिकारी को नगर निगम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये हमारी मांगे हैं। मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं की जाएंगी तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए प्रतिबंधित हैं।